अब ये देखिए, ये मशीन है अपनी, ये स्केल है, ठीक है। इसकी थिकनेस एक एक डेढ़ एमएम तक रहती है। इसको इसके नीचे डाल के, ये पत्रे के नीचे डाल के ऐसे आराम से घूमनी चाहिए, आर पार निकलनी चाहिए, दोनों साइड चेक करना है। वैसे कितना लेवल रखना है, ये बेल्ट और ये ऊपर के पत्रे के बीच में इतनी 1 से 1.5 mm तक दूरी रखनी है, ठीक है, तो ही मशीन सही काम करेगी। अगर ज़्यादा दूरी रहेगी तो अपनी जो विक्स है वो बनेगी नहीं, और कम दूरी रहेगी तो बेल्ट और ये पत्रा, अपना बेल्ट और पत्रा दोनों चिपक जाएंगे, तो ये घूमेगा नहीं बेल्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी सही तरह से विक्स बन रही है, ठीक है। ये अपने स्केल से नाप किया है दोनों के बेल्ट और पत्रे के बीच में, तो ये देखिए अभी सही विक्स बन रही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आता है। ये चालू मशीन है, ठीक है, इसको लूज कर दिया, इसको जैसे लूज करते हैं तो पत्रा नीचे जाता है, और इसको टाइट करते हैं तो पत्रा ऊपर आता है, इसमें उल्टा रहता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये चिपकने लगा है पत्रा, नीचे बेल्ट के ऊपर पत्रा चिपकने लगा है। देखिए पूरा अभी ये मशीन चिपक रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अपनी स्केल नहीं जा पा रही है, ठीक है, मतलब ये दोनों चिपक गए, तो अभी इसमें विक्स नहीं जा पाएगी। इससे मशीन भी डैमेज होता है, मशीन का गियर बॉक्स वगैरह सब डैमेज हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। देखिए इधर अभी ये स्केल नहीं जा पा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस वजह से मशीन में भी दिक्कत आएगी और विक्स भी नहीं बनेगी, पूरा मतलब मशीन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको लेवल लेके दिखाता हूँ फिर से, इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना है। जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो पत्रा ऊपर आएगा, देखिए अभी इधर जैसे अभी ये देखिए फिर से मेरी स्केल आराम से मूव होनी चाहिए, देखिए अंदर स्केल जा रही है आराम से मूव हो रही है, सही है। अभी इस साइड देख लीजिए, बहुत ज्यादा भी जगह नहीं रखनी है।